गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है ये आपकी स्पेशली जीन थेरेपी जो आपका जो टॉपिक रहता है साइंस एंड टेक में उससे रिलेटेड होगी। तो ये जो क्लास है हमारी जीनो ट्रांसप्लांटेशन या करंट अफेयर, ये हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट टुक लॉन्गर देन यूजुअल टू बीट फॉर ह्यूमन रिसीवर इन द फर्स्ट एवर ट्रांसप्लांट ऑफ द जीन एडिटेड पिग हार्ट टू ह्यूमन। द ह्यूमन रेसिपियंट लिव्ड फॉर 61 डेज आफ्टर द ट्रांसप्लांट। प्रायर अटेम्प्ट्स एट सच ट्रांसप्लांट्स हैव ऑल्सो फेल्ड। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि एक पिग का जो हार्ट था उसे ट्रांसप्लांट किया गया था ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो वो जो है नॉर्मली ये जो जो पिग हार्ट होता है वो इतना देर तक ह्यूमन को जिंदा नहीं रख सकता, लेकिन अभी रिसेंटली जो ट्रांसप्लांट किया गया है जीन एडिटिंग के द्वारा पिग हार्ट का ह्यूमन में, तो उस वजह से जो ह्यूमन है वो 61 डेज तक ट्रांसप्लांट के बाद वो जिंदा रहा है। ठीक है, इसी बारे में हमारी न्यूज़ है। तो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देखेंगे हम। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन होती है ये सारी एक ही स्लाइड में मैं आपको सारी समझा दूंगा कि इस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वो होती है। जो बाकी की स्लाइड्स होगी उसमें जो आपकी जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वो दी गई होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी स्लाइड में आपको सारा जो है वो समझा दूं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो एडिंग एंड रिमूविंग जीन्स विद द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग सेल्स। तो जीन एडिटिंग की मदद से, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जो पिग सेल्स जो होते हैं, जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग सेल्स जो होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है। उनको क्रिएट करने के बाद उससे जो एम्ब्रियोज बनते हैं ना, उससे जो है पिग्स जो होता है उनकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग्स जो है उनको बनाया जाता है और फिर उनको रेज किया जाता है एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और फिर उन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो पिग्स जो होते हैं उनका जो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रिमूव करके ह्यूमंस जो है उनमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे पहले उसकी जीन एडिटिंग की गई। ठीक है, वहां से उसके पिग सेल्स जो है उनको निकाला गया। ठीक है, उन पिग सेल से एम्ब्रियोज जो है वो बनाए गए। ठीक है, ये एम्ब्रियो बनाए, देन इन एम्ब्रियोज को जो है आपस में फर्टिलाइज करवाने के बाद एम्ब्रियोज बने और देन इन एम्ब्रियोज से आपके ये पिग्स जो हैं ये बन गए। ठीक है, एम्ब्रियोज बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जब स्पर्म और जो आपके जो फीमेल सेल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर जाते हैं, तो जो एम्ब्रियो स्टेज होती है वो जो चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज होती है उसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो कंसिडर किया जाता है एम्ब्रियो को। ठीक है, मतलब यहाँ से जो चाइल्ड की फॉर्मेशन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको एम्ब्रियो स्टेज जो है वो कहा जाता है। तो एम्ब्रियो के बाद जो है जब पूरा डेवलप्ड बन जाते हैं, पिग पूरा डेवलप हो जाता है, देन उसके बाद जो है पिग्स को रेज किया जाता है बायोसील्ड एनवायरनमेंट में। ठीक है, देन उनको रेज करने के बाद जो उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे पिग्स को यूज़ किया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए और उसके अलावा पिग्स से जो है आपकी जो इंसुलिन जो है वो बनाई जाती है पिग्स की पैनक्रियाज से। ठीक है, इंसुलिन जो है वो उसको सेक्रीट करके निकाला जाता है, देन उससे मेडिसिन बनाई जाती है जो डायबिटीज़ में काम आती है। और उसके अलावा इसके जो हार्ट्स जो होते हैं या दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं उनको ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो जो उसका हार्ट होता है पिक का उसको निकाल के ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसी के साथ साथ उसको ह्यूमन को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं। अब ये ड्रग्स जो हैं वो इस वजह से दिए जाते हैं क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में कोई एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो डाल रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत से ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। वो डेथ होने का रीजन ये होता है कि जो उनकी बॉडी होती है वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर जाए, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसी तरीके से बनाया है भगवान ने कि हमें जो कोई भी कोई एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गन जो है, ऑर्गेनिज्म कह लो आप, वायरस कह लो, तो हमारी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम रिजेक्ट ना करें तो हमें जो है बहुत सी बीमारियां, हमें कभी भी जो हमारी जो बीमारियां होती हैं हमारा कभी उससे इलाज हो ही ना पाए। ठीक है, जो बेसिकली आपको मेडिसिन जो दी जाती हैं किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो फीवर हो गया या कोल्ड हो गया, वो इसी वजह से दी जाती है कि जो आपकी बीमारी होती है वो थोड़ी माइल्ड हो जाए। ठीक है, असल में कोई भी मेडिसिन ऐसी बनी ही नहीं है जो आपकी जो बीमारी है उसको खत्म कर सके। ठीक है, मेडिसिन सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि वो आपकी बीमारी को थोड़ा सा सप्रेस कर दे और आपका इम्यून सिस्टम है उस सप्रेस्ड बीमारी को खत्म कर दे। ठीक है, तो इसी वजह से जितनी भी आज तक जितनी भी मेडिसिन जो बनी है वो इसी
तर्ज पे बनाई जाती हैं कि जो आपका उस बीमारी का या उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का या उस प्रोटोजोआ का जो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है उसको माइल्ड कर दे, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जब वो माइल्ड हो जाएगा या वो वायरस जो है या वो बैक्टीरिया जब जो वो वीक हो जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको ओवर पावर कर लेगा और वो जो आपकी बीमारी है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो डाले जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। तो और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उससे लड़ते लड़ते उससे जीत जाता है और जो जो एक्सटर्नल ऑर्गन जो आपको दिया गया था इस हार्ट के रूप में वो जो है कंप्रेस कर जाता है या कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो वो जो है कोलैप्स ना करे तो उस वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको सप्रेस करके रखें और जो है आपको वो जो हार्ट है आपका जो एक्सटर्नल हार्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया है वो अच्छी कंडीशन में सही कंडीशन में वो वर्क करता रहे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमारी स्लाइड्स में है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नॉन ह्यूमन टिश्यूज इंटू और ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो जो ह्यूमंस जो हैं उसके अंदर नॉन ह्यूमन टिश्यूज या फिर नॉन ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो उसके अंदर डालना उसको कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इन रिसेंट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांट फ्रॉम पिक टू ह्यूमन जीन एडिटिंग वॉज अडॉप्टेड टू रिमूव शुगर इन इट्स सेल। जो आपका जो पिग था उसके बॉडी के अंदर जो शुगर थी या उसके सेल्स के अंदर शुगर थी उसको रिमूव करने के लिए जीन एडिटिंग जो है उसका यूज किया गया। दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर फास्ट ऑर्गन रिजेक्शन। जीनोम एडिटिंग देखते हैं ये क्या होती है। जीनोम एडिटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जीन एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट गिव साइंटिस्ट एबिलिटी टू चेंज एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है उसको चेंज करने की एबिलिटी होती है आपकी इसमें किसमें जीन एडिटिंग में। ठीक है, तो वो जो उसके जीन्स होते हैं उसको एडिट कर देते हैं। आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जो उसका जो डीएनए होता है उसी को कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है जीएनए एडिटिंग के द्वारा। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है, और जो इसका बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है ऑर्गन रिजेक्शन का। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बाहर से कोई भी आने वाली चीज जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस डेवलपमेंट कुड ब्रिंग अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। दिस डेवलपमेंट कुड ब्रिंग अस वन स्टेप क्लोजर टू सॉल्विंग द ग्लोबल ऑर्गन शॉर्टेज। इन इंडिया पेशेंट्स नीड 25,000 to 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट्स एनुअली। हर साल जो है हमें 25,000 से 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट्स की जरूरत पड़ती है बट ओनली अबाउट 1,500 एंड अप रिसीविंग देम। ठीक है, और जिनमें से 25,000 और 30,000 में से सिर्फ 1,500 लोग ऐसे हैं जिनको जो लिवर जो है वो प्रोवाइड हो पाते हैं। पिग्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर कैंडिडेट्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो पिग्स जो हैं वो उनको जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज्यादा यूज में लाया जा रहा है। उसका रीजन ये क्या क्या है कि पिग्स ऑफर एडवांटेज ओवर प्राइमेट्स फॉर ऑर्गन प्रोक्योरमेंट बिकॉज दे आर इजियर टू रेज एंड अचीव अडल्ट ह्यूमन साइज इन 6 मंथ्स। और ये 6 महीने में ही बड़े हो जाते हैं, तो इसी वजह से एक एडल्ट ये जो है 6 महीने में बन जाते हैं और इनके जो ऑर्गन जो है इसी वजह से हम ज्यादा यूज जो है वो कर सकते हैं। द पिग्स एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आर सिमिलर टू डेट ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, तो इसके जो फिजिकल पैरामीटर्स जो है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है वो ह्यूमन्स के इक्वल होते हैं। एंड द ब्रीडिंग ऑफ पिग्स इन फार्म इज वाइड स्प्रेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और जो इनकी ब्रीडिंग है फार्म्स में वो ज्यादा की जा सकती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इसी बारे में थी कि जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थी कि हमने जो है पिग का जो हार्ट है उसको यूज किया है ह्यूमन हार्ट के लिए। ठीक है, तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।